जी ज्योति ब्लॉगर की राम राम। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं अभी बालों में कंघी कर रही थी और मैंने सोचा कि चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोगों से बात कर लेती हूँ थोड़ी सी। मैं तो एक सा बेबी, मैं बेबी भी नहा लिया है और मेरी ये वाली बेटी भी नहा ली है, मेरे दोनों बच्चे नहा लिए और तीसरा भी नहा, तीसरा नहीं, तीसरा और चौथा दोनों ही नहा। बेटे बालों का सुन करते वो खेल रहे हैं। मैंने मेहंदी लगाई थी, मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो गए मेहंदी लगा कर, आगे से वाइट वाइट हो गए। ये देखो मेरे बच्चों ने मेहंदी का ख्याल बनाया है, मैंने इनके मेहंदी लगाई थी, इन्होंने उसको चित्ता पोता कर दिया। ये देखो क्या डिजाइन बना दिया उन्होंने मेहंदी का, बेटे गिर जाओगे। तो अभी चलिए बाल बाल लेते हैं। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है, आप लोगों से बात कर ली थोड़ी सी और मैं बालों में कर लेती हूँ कंघी, क्लेचर या रबड़ लगा लेती हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। बाय बाय बाय, नो बाय बाय, ओनली हाय। क्या करूँ, चाय लाऊं? आज तो सामान ला रहे हैं, कल से हम भी चंचू मैंने बनाई है मम्मी पापा और भाभी के लिए चाय। तो मैं चाय नहीं पीऊँगी, दूध पीऊँगी। भाभी जी चाय जिंदी कहाँ भगा दी, मैं बैठे हो थोड़ी सी है काटती। मैं तो निकालते वीडियो में सब भाभी का मेकअप नहीं करती। देखिए मैंने मांग में सिंदूर भी लगाया, लिपस्टिक भी लगाई थी, है एक शैतान सा हमारा भतीजा। अपनी मम्मी की बिंदी तार के ले गया, बिंदी तार के ले गया मम्मी की, सारी दफाई होगी सोने भी नहीं दिया। ये देखे, ये देखो एक का एक से एक तमाश गिर। ये क्या है, उल्टा टॉप डाल रखा। ये देखो फैशन देखो इनके, ये कौन सा फैशन है कोई पागल बताओ। बाबू बाबू टॉप सुधा पहने और चलो नीचे चल रहे। चलो मम्मी, मम्मी ने ली है थोड़ी सी सब्जी और क्या क्या लिया है, नीचे चल के दिखाते हैं। नीचे बैठे हैं मम्मी पापा, आप लोग बोलते हो हैं, है? आप लोग बोलते हैं पापा जी नहीं दिखाई देते हैं, तो पापा जी जो हैं नीचे हैं। पापा जी को आप लोगों को बताया था भैया ने सांस की प्रॉब्लम है, तो वो कब जब ऊपर आ जाते हैं तो नीचे नीचे नहीं जाते काफ़ी टाइम तक, नीचे रहते हैं तो ऊपर नहीं आते, वैसे पूरा दिन नीचे निकाल देते हैं, कभी कभार ऊपर आते हैं। तो अभी हम जिन्ने में है, चाय ले रहे, छन्नी ले रहे, कढ़ाई ले रहे, चल दिए सब्जी काट लेते हैं जो आज हमें बनाना है। मम्मी ने सब्जी ली है वो भी दिखाने के लिए, अरे वीडियो कैसे बंद करें। पर जो है मैं चाय बना कर लेकर आई थी, पापा जी ने बोला कि पहले मुझे पानी दे दो, प्यास लग रही है। मम्मी पापा के लिए चाय लाई थी, आप लोग बोले थे पापा जी नहीं दिखते हैं, तो पापा जी को मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ तबीयत ख़राब रहती है। तो यहाँ पर जो है ये हमारे मामा जी लगते हैं पास के गाँव से आए थे, तो ये पापा जी से मिलने के लिए आए थे, पापा जी को देखने के लिए आए थे, पर पापा जी यहाँ नहीं थे। कायरव जो है यहाँ नाना जी के पास सो रहा था, अभी सोकर उठा है, नीचे रखी हुई है सब्जी। अर्चित जो है सारी सब्जियों को इकट्ठा कर रहा था, मतलब बोले तो खिंडा रहा था, बहुत शैतान बच्चे हो गए हैं, एक जगह तो स्थिर नहीं रहने देते। देखिए किस तरह से देख रहा था, ये कौन से नए नानू आ गए हैं। और पापा जी ने भी पानी पिया है और हमने कुछ सब्जियाँ ये ली हैं, करेले लिए हैं मम्मी ने, हरी मिर्च, प्याज। तो ये देखिए प्याज यहाँ रखी हुई है, इनमें लगा हुआ था अर्चित, तो इन सब्जियों को हमें सारे को वॉश करना था। बच्चे तो मतलब धरती के साथ ही शुरू हो जाते हैं, चीज़ों को वॉश भी नहीं करने देते, इतने शैतान बच्चे हैं। बचाने की कोशिश करो तब भी डर रहता है, बाहर से कोई चीज़ आती है तो देखिए उसमें डर लगता है। तो हाँ हमें थोड़ी सेफ्टी यूज करनी पड़ेगी, बच्चों के लिए नीचे नहीं रखनी चाहिए थी, ऊपर रख देते उठाकर। तो अभी उसके बाद ही है मम्मी जो है इसको सब्जी को जो है वॉश कर रही थी, अच्छे से पानी से धो रही थी।
हरी मिर्च और करेले, और जो प्याज है वो मतलब धोकर वो भी सुखा दी थी, ये दोनों चीज़ें धो रहे थे। और क्योंकि अभी करेले जो हैं काटने हैं और हरी मिर्च नहीं आज काटेंगे, कल हरी मिर्च प्याज बनाएंगे, तो अभी मम्मी ने इनको वॉश कर लिया, तो बोल रहे थे कि थोड़े से टाइम के लिए करेले को सुखा देते हैं या फिर छिलक तार कर बनाएंगे, तो मम्मी ने इनको सुखा दिया था। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं मम्मी के पास बैठी हुई थी, मम्मी जो है वो बोल रही थी कि मैं करेले छिल देती हूँ, और मैंने यहाँ पर एक कट्टा डाल लिया था, यहीं बैठ गए थे यहीं पर, मामा जी बैठे हुए थे, पापा जी, मैं, तो हम सारे जने जो हैं बात कर रहे थे और साथ के साथ काम कर रहे थे। तो चाय जो है मैंने पापा जी, मम्मी और मामा जी तीनों जनों को दे दी थी। मैंने थोड़ी देर पहले एक लड्डू खाया था दूध के साथ, तो मैंने नहीं पिया, थोड़ी थोड़ी बच्चों ने पी ली थी, और ऊपर भाभी को भी देकर आई थी मैं, उनको भी पिला दी थी, मैंने सबके लिए बना दी थी जब बनाई थी, तो अंकल जी नहीं थे बस यहाँ पर, तो वो जो है बाहर गए हुए थे, वरना उनके लिए भी बना दी थी। मम्मी जो है करेले छील रही थी, मैं ले रही थी दूसरा चक्कू, पर मैं मामा जी से बात कर रही थी, तो अभी यहाँ मम्मी छील रही है और बच्चे जो हैं टीवी देख रहे हैं, और पीछे रखा हुआ है स्टैंड, और मैं सामने बैठी हुई मम्मी की वीडियो शूट कर रही थी। बाद में यहाँ पर आ गई थी ऊपर छत पर, और यहाँ पर जो है मम्मी जो है करेले वे छोल रही थी, बीच में ही रोकने पड़ गए, जब कोई आ जाता है फिर काम कैसे हो जाता है, नीचे कोई आ गया था, मम्मी बात तो लग गई, और फिर और एक दो काम आ गए बीच में, तो फिर उसके बाद दूध दूध निकाला मम्मी ने गाय का, तो मम्मी छत पर आ गई अब जिन्हें लेकर, वो करेलों में लगी हुई थी, और मैं यहाँ पर लौकी लिया था, तो मैं लौकी छील रही थी, और मुझे बनानी है लौकी की खीर। और यहाँ चंचल को देखी, यहीं पीछे बंधी हुई थी मेरे ऊपर, इस तरह से वो कर रही, मतलब जब से चंचल आई है उसका हम सबका भी काफ़ी मन लग रहा है। और मेरे भतीजे को देखिए फ़ोन देखकर किस तरह से कर रहा है, उस दिन भी देखा था आपने, बिल्कुल फ़ोन देखकर फ़ोन के आगे जाकर जाकर झांकता है, देखता है ये क्या हो रहा है, फ़ोन में देखकर बहुत खुश होता है, उसको देखकर हम मुस्कुरा रहे थे कि ये क्या कर रहा है, बार बार फ़ोन के आगे जाता है और फ़ोन को पकड़ता है और देखता रहता है मैं दिखाई दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए अभी हम लोग छोड़ लेते हैं। बना रही हूँ लौकी की खीर, तो लौकी जो है मैंने वो वॉश कर लिया अच्छे से, छीलने से पहले भी और कसके भी वॉश कर लिया है, और यहाँ मैं ले रही हूँ थोड़े से मेवे, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़े से मेवे, इसमें अभी मैं किशमिश रखी हुई है अलग, वे इसमें डाल दूँगी, जब इसमें डाल दूँगी, यहाँ गैस पर कढ़ाई रख दिया और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा घी, तो अभी हम लौकी को भून लेते हैं। शुरू हो गई है, अब मैं इसको मतलब गैस को ऑफ कर देती हूँ थोड़ी सी देर के लिए, इसे मैं उठा लेती हूँ दूर, फिर से गैस चला लेते हैं, और गैस हमने चला दिया, और अभी मैं इसमें डाल देती हूँ दूध, तो दूध को छान लिया है मैंने, बाल्टी रखी हुई है दूध की, तो अभी इसमें दूध डाल देती हूँ, चले यहाँ से तो अभी मैंने इसमें एक लोटा दूध डाल दिया है, थोड़ा सा और डालूंगी, और जो सारे मेवे हैं उसको तो मैं इनको नहीं तल रही हूँ, मैं चाहती तो तल सकती हूँ पर नहीं तलूँगी, थोड़े से ही हैं और ज़्यादा बारीकी में काट रखे हैं वापिस, तो ये फिर घी में ज़्यादा हो जाएंगे, खरबूजे के बीज भी ऐसा हर चीज़ें एक जगह लगा रखी है, तो ऐसे ही डाल दें, तो अभी हम खीर को चलाते रहेंगे, जब तक चलाती रहूँगी मैं, जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता, मैंने 2 मिनट के लिए रोक दी थी पर रोक नहीं,
अगर आपको इसको मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाना है, कुछ ज़्यादा ग्रीन ग्रीन दिखाना है तो आराम आराम से, अगर आपको इसको ज़्यादा हरा हरा कलर करना है तो आप इसमें कलर भी डाल सकते हो। छोटे सुनाई नहीं आती क्या? अगर आपको इसको ज़्यादा ग्रीन ग्रीन करना है तो आप इसमें कलर का यूज़ कर सकते हो, मैं नहीं कर रही। तो खीर जो है मेरी बनने लग रही थी और यहाँ पर दूसरी गैस पर भी मैंने कढ़ाई रख दिया है और मैं गैस को ऑन कर लेती हूँ और इसमें डाल देती हूँ मैं तेल। इधर मैं इसको इसमें उबाल आ चुका है, इसे एक दो बार चमचा आराम से चलाती रहूँगी। और यहाँ पर प्याज और जो करेले हैं वो रखे हुए हैं, तो हम भरमा नहीं बना रहे हैं, काट कर बना रहे हैं। तो देखिए मैं करेला किस तरह से बनाती हूँ आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मम्मी और तरह से बनाती है, मैं और तरीके से बनाती हूँ। तो मैं जो अब जा इसमें से प्याज में से सारे जो करेले हैं वो अलग निकाल लूँगी। ये प्याज और करेले भाभी जी ने एक जगह ही काट दिए थे, मैं इनमें से सारे करेले निकालूंगी और इनको फिर मतलब तेल में तलूंगी। मैं कुछ इस तरह से करेले बनाती हूँ, भरमा बनाती हूँ और तरीके से बनाती हूँ, वो भी कभी ना किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं कढ़ाई के पास आ रहे थे तो मैं डांट रही थी कि इनको दूर करो, अगर ये यहाँ पास में आएंगे तो चोट वगैरह लग जाएगी, जल जाएंगे, क्योंकि दोनों ही गैस ऑन कर रखी थी मैंने। कुछ पता नहीं है बच्चों का कब क्या कर दे। तो अभी जो है यहाँ पर मैं एक करेला सारा इसमें से निकाल लूँगी और इनको तल लेती हूँ। देखिए मेरा जो करेला है वो बनकर तैयार हो गया है और मैंने इसको कटोरी में डाल लिया, कढ़ाई में से निकाल लिया था, और जो कुछ बाकी का है वो अलग बड़े बर्तन में डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर छोटी भाभी जो है वो खाना बना रही है। आप लोग बोलोगे यहाँ इतना अंधेरा क्यों है, क्योंकि बरामदे में जो बल्ब लगा हुआ है वो लाइट से जलता है और यहाँ पर गैस बाहर रख ली थी, मुझे तो गर्मी हो रही थी अंदर। भाभी यहाँ खाना बना रही थी तो मैं बस जैसी भी बननी थी यहाँ उनकी वीडियो बना रही थी, बस लाइट जो है आ रही थी और भाग गई थी, मतलब कोई दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए बस यहाँ पर वैसे थोड़ा हल्का हल्का चांदना आ रहा था। फिर तो मैंने यहाँ पर मोबाइल चला कर रख दिया था, मैंने आराम से खाना बना लिया। मैं यहाँ क्लिप बना रही थी वीडियो की, तो सब्जी जो है मैंने बनाई, खीर मैंने बनाई और रोटी भाभी ने बना दी। तो देखिए खीर भी मिलकर तैयार हो गई थी, वो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई, वो मैंने फ्रिज में रख दी थी ठंडे होने, ठंडा थोड़ा सी ठंडी करने के बाद और मतलब फ्रिज में ठंडी हो जाए, काफ़ी टेस्टी लगी खाने में। ये जो थाली आपने देखी है वो अंकल जी की लग चुकी थी और पापा जी को भी दे दिया है खाना। अंकल जी जो है नीचे टीवी देख रहे थे, उनका खाना वहीं भिजवा दिया, यहाँ पापा जी खा रहे हैं। तो पापा जी बोल रहे थे कि बहुत अच्छी खीर बनी है,
बहुत टेस्टी लग रही है। पहली बार हमने ऐसी लौकी की खीर खाई है, तो पापा जी ने कभी पहले नहीं खाई है, तो मैंने आज ट्राई की तो उन सब लोगों ने अच्छी बताई। वीडियो का ही ब्रांड कर देते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे कमेंट। तो देखिए आज जो है मैंने मतलब कल शाम में मैंने खीर बनाई और करेले बनाए और रोटी जो है भाभी ने बनाई। तो मम्मी पापा बोल रहे कि भाई क्या बात है, आज बड़ा स्पेशल खाना बन रहा है, क्या कोई आने वाला है, कुछ स्पेशल है। मैंने कहा नहीं, आज आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल करना चाहती हूँ मैं, आप लोगों को कुछ अच्छी सी रेसिपी को बना कर खिलाना चाहती हूँ जो आप लोगों ने नहीं खाई। तो सच में उन सबको बहुत खीर पसंद आई और मेरे को भी बहुत स्वाद लगी, सच में मैं आपको बताऊँ इतना ज़्यादा यम्मी यम्मी लगी। बहुत थोड़ी सी मिली, मतलब थोड़ी ही बनाई थी मैंने, तो मतलब इतनी अच्छी लगी बहुत ज़्यादा। बच्चों को भी बहुत पसंद आई, अंकल जी को भी। तो कभी कभार थोड़ा सा आप लोग बोलते हो कि कुछ अलग भी दिखा दिया करो वीडियो में, कोशिश करती रहूँगी हर रोज़ कुछ अलग दिखाने की। आप लोगों को कसम तो नहीं है कि बिल्कुल हाँ दिखाई दिखा दूँगी, पर कोशिश जारी रखूँगी, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। तो मैंने सोचा चलो अभी है ना आप लोगों को बता देते हैं। तो मतलब इतनी सारी तैयारी किस नाम की हो रही थी, बस यही थी कि फैमिली वालों को कुछ अलग सा खिला दूँ, थोड़ा अच्छा लगे। मतलब भाई देखिए रोटी तो रोज़ ही खाते हैं, सब्जी भी रोज़ ही खाते हैं, कुछ खीर वगैरह कभी कभार खा लें कुछ स्पेशल बनाकर। तो आज मैं थोड़ी सी खुश हूँ, थोड़ी सी तबीयत ठीक है मेरी आज रोज़ से। तो अभी मेरी इच्छा हुई आप लोगों से थोड़ी सी बात करने की, थोड़ी सी मुस्कुराहट तो चाहिए चेहरे पर, हर वक्त उदासी भी अच्छी नहीं लगती। मेरे बीबी में थोड़ा आराम है, बीबी को लेकर बहुत सारे कमेंट आते हैं, कॉफ़ी पियो, नमक नींबू का घोल, मैं सब चीज़ें पीती हूँ, बस जब मेरा ज़्यादा ही डाउन हो जाता है तो वो सब चीज़ें काम नहीं करती है। डॉक्टर ने बोला है कैल्शियम की कमी आ रही है। अवनी को जो आप लोग बोल रहे थे, तो मैं अवनी को जो है ना ओस्टो कैल्शियम पिला रही हूँ, उसको भी कैल्शियम की कमी आ रही है। तो पाँव में दर्द इसलिए होता है क्योंकि वो दूध बहुत कम पीती है, मैं तो पीती हूँ पर मेरी जाड़ जाड़ वगैरह निकली, उसकी वजह से मुझ में थोड़ी कमजोरी वीकनेस ज़्यादा हो गई। कायरो वो भी कमज़ोर सा हो रहा है, कायरो के टॉनिक वगैरह लिखाऊंगी, उसे डॉक्टर को दिखाना है। यहीं पर गाँव में एक मेडिकल स्टोर है, वो डॉक्टर भी हैं, उन्होंने बोला कि एक बार आप दिखा दो, मैं उसके कोई टॉनिक वगैरह लिख दूँगा। कुछ खाता पीता नहीं वो भी, मेरे दोनों बच्चे ऐसे, खुद भी ऐसी हैं, मतलब पता नहीं क्या मोटे से नहीं होते, तो मेरे को चिंता से रहती है उनको लेकर, खुद को भी देखिए 100 प्रॉब्लम होती है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।